मैं सर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे। बायोलॉजी जैसा कि आप सब जानते हो, समीर सर और गणेश सर को मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हाल फिलहाल अपन इनसे ये पूछते हैं कि क्या पेपर का लेवल रहा और किस तरीके से बच्चे पेपर अटेंड करके आए। सबसे पहले मैं समीर सर से चाहूँगा। थैंक यू सर। एग्ज़ाम NCERT बेस्ड है जैसा कि पिछली बार भी था। हाँ, इस बार थोड़ा पिछली बार से कम लेवल पेपर का था, मतलब अपन बोल सकते कि एवरेज से थोड़ा ऊपर था। वेटेज ऑलमोस्ट NCERT को पुरानी ईयर की तरह ही कवर किया है, जैसे जेनेटिक्स इस बार भी 7-8 क्वेश्चन थे। हाँ, जेनेटिक्स के बच्चों के अकॉर्डिंग 3-4 क्वेश्चन हार्ड है। एक्चुअल तो पेपर आने के बाद ही पता चल पाएगा कि पेपर क्या था, पर उसके अलावा एनिमल डाइवर्सिटी से 5 क्वेश्चन है, प्लांट डाइवर्सिटी से 4 क्वेश्चन है, इकोलॉजी से 4 क्वेश्चन है, बायोटेक से 4 क्वेश्चन है। तो पैटर्न तो वही है जो पिछले वाला था, बस पेपर इस बार क्या है कि थोड़ा उसे कम रखा, इस लेवल उतना टफ नहीं रखा उसके लेवल को। ओवरऑल पेपर अच्छा था, पेपर हार्ड नहीं था। जो भी बच्चे NCERT पढ़े थे, पूरे नोट्स पढ़ के गए थे, वो सब उन सब का पेपर बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा, बहुत बढ़िया। मैं अब गणेश सर से जानना चाहूँगा कि सर आपका जो पोर्शन है जूलॉजी का, उसमें क्या कुछ बच्चों ने रेस्पॉन्स दिया और किस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों को पूछे गए ताकि वो नेक्स्ट पेपर में अच्छे से, जो 2 दिन अभी और पेपर होंगे, तो उनको आइडिया लग सके भाई विशेष तौर पर इस बार ICR को पेपर को लेके NTA किस तरीके से तैयारी करके आ रहा है और बच्चों को किस तरीके से तैयारी करके जाना चाहिए। धन्यवाद सर। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि जो जूलॉजी के पोर्शन था वो ज़्यादा टफ नहीं था, मीडियम लेवल बोल सकते हैं उसको, और शुरू से तैयारी इसी लेवल की करवाई जाती है ताकि जेट के साथ आप ICR क्रैक करो। मेन टारगेट ICR ही होता है। जेट नॉर्मल पेपर आता है, ICR का थोड़ा डिफिकल्ट पेपर आता है, तो उसी के लेवल से तैयारी करवाई जाती है संस्था में, चाहे वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, तो उसी लेवल की तैयारी करवाई जाती है। और जो क्वेश्चन जो पैटर्न होता है, जो अभी ICR में नया ट्रेंड चल रहा है, जैसे मैचिंग के क्वेश्चन है, डायग्रामली क्वेश्चन है, इसके अलावा स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, उसी के बेसिस पे पेपर बनाया जाता है संस्था में। तो जो मेरे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो एनिमल डाइवर्सिटी से 5-6 क्वेश्चन थे, और उसमें नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेटा में हम बात करें, नॉन कोऑर्डिनेटा की बात करें तो फाइलम से रिलेटेड और एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। ओके, डायग्रामली क्वेश्चन भी आए। फिर आगे हम बात करते हैं अगला टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उससे भी 2 क्वेश्चन आए, हालांकि वेटेज ज़्यादा था लेकिन 2 ही क्वेश्चन आए। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और हमेशा ही चाहे वो जेट हो चाहे ICR हो, हार्मोन बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इवोल्यूशन टॉपिक लेता हूं मैं। इवोल्यूशन टॉपिक की बात करें तो वहां 5 क्वेश्चन के लगभग स्टूडेंट बता रहे हैं। 5 क्वेश्चन में हम बात करते हैं सर, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करें तो एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन, जैसा कि मैंने मैराथन क्लासेस में बताया भी था, उस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था हम बात करें। इसके अलावा सेकंड हम बात करें जो एरा वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन आए थे कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के कौन कौन से एरा, 2 क्वेश्चन वहाँ से आए। इसके अलावा आगे बात करें तो जो हेल्डेन, जो ओपेरन और हेल्डेन की थ्योरी थी, मॉडर्न थ्योरी, वहाँ से भी स्टार्टिंग वहीं से करते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आए। तो टोटल 5 क्वेश्चन तो मुझे पता है, बाकी और भी कोई होगा तो जैसे ही पेपर जो सर बता रहे कि एनालिसिस करेंगे उस टाइम पे और क्लियर कर देंगे। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा इकोलॉजी खासा वेटेज वाला टॉपिक है। जैसे कि CUET के पेपर की बात करें तो वहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चन थे क्योंकि ओनली 12th बेस का था, 12th बेस में इकोलॉजी के 4 लेसन आते, तो वहाँ तो वेटेज बहुत ज़्यादा था। यहाँ हम बात करते हैं 4 क्वेश्चन इकोलॉजी से बता रहे स्टूडेंट। अब उसमें से एक तो पॉल्यूशन का था, प्रोटोकॉल से रिलेटेड मैचिंग का क्वेश्चन था, और मैं बार बार जैसे टेस्ट पेपर में हो चाहे रोल में कोई भी हो, मैचिंग के क्वेश्चन देता हूं मैं मोस्टली, और उसमें भी जैसे कोई भी स्टाफ हो, मैचिंग से क्वेश्चन रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और वैसे ही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। आगे चलते हैं तो स्पीसीज से रिलेटेड क्वेश्चन था, हम बात करते हैं सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं इकोलॉजी स्टार्ट करते वहीं से क्वेश्चन था। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन थे तो वो बात करें। इसके अलावा सिस्टम की बात करें तो सिस्टम से, जैसे ICR में सिस्टम का वेटेज थोड़ा कम रहता है, इस बार सिस्टम से भी 3-4-5 क्वेश्चन दिए हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में दिया, स्केलेटन में दिया, ईयर कान का क्वेश्चन था, और इसके अलावा नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन था, मसल्स से क्वेश्चन आए, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन से रिलेटेड है ना, तो ये क्वेश्चन थे। बाकी जेनेटिक्स का काफ़ी अच्छा वेटेज था, जेनेटिक्स की बात करें, सेल बायो की बात करें, एग्रीकल्चर में उसके पोर्शन आता है और उसमें भी आता है। तो बाकी समीर सर आपको बताएंगे कौन कौन से टॉपिक बॉटनी में मोस्टली आए। बॉटनी से हमेशा की तरह जेनेटिक्स से क्वेश्चंस का वेटेज काफ़ी बढ़िया था, 7-8 क्वेश्चंस बच्चों से बात करके पता चला। उसमें से 2 क्वेश्चन काफ़ी टफ थे क्योंकि वो मॉलिक्यूलर लेवल के थे। एग्जैक्टली क्वेश्चन तो क्या है वो हम बाद में आप लोगों को बता पाएंगे। 6-7 क्वेश्चन जो है वो बड़े ईजी थे, जैसे मेंडल के बेसिक, उससे टेबल से एक क्वेश्चन आ गया था, एक क्वेश्चन नॉर्मली जो है वो N2 बेस का क्वेश्चन था। तो ओवरऑल पेपर ठीक था सर, रॉयल के जितने भी बच्चे थे वो सब खुश थे पेपर देखे, उन सबको बड़ा मज़ा आया क्योंकि पैटर्न से भी वो पहले से नॉन थे और काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी की थी। अभी उन्होंने एग्जाम दिया, अपने लॉन्ग टाइम तक क्लासे ली, उनका बेनिफिट मिला क्योंकि वो लास्ट तक ICR से टच रहे। अगर हम क्लासे बंद कर देते तो वो पढ़ाई छोड़ सकते थे, पर क्लास लेने का उनको बहुत फायदा हुआ, एंड तक अपने जो क्लासे दी उसका बहुत बढ़िया सर।
कुल मिला के जो ICAR का एग्ज़ाम है वो एवरेज इसका पेपर था, लेकिन ये एवरेज उन्हीं बच्चों के लिए था जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी की और बहुत अच्छी जगह तैयारी की। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये हमारा संस्थान है जो सैकड़ों बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजने का काम कंटिन्यू कर रहा है। उसका कारण है हमारा जो हम चार पॉइंट पे कंटिन्यू काम करते हैं वो मैं बताना चाहूँगा। नंबर वन, फैकल्टी मेंबर इतना ज़बरदस्त पढ़ाते हैं कि आपका चाहे कुछ भी लेवल क्यों ना हो आपके समझ में आएगा। हर सब्जेक्ट की चार चार फैकल्टी जिनसे मैं आपको कंटिन्यू मिलाता रहा हूँ। पढ़ाने के बाद में हमारी DPP एक्सरसाइज सीट, जो भी सर बात कर रहे हैं वो पहले से बोल रहे हैं कि बच्चे मेंटली प्रिपेयर थे कि हमें किस तरीके के जो है वहाँ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारी DPP और एक्सरसाइज सीट में हम इसको मेंटेन करके चलते हैं। इसके बाद में गुरुजी ने पढ़ा दिया, बच्चे ने पढ़ लिया, कितना याद हुआ इसका क्या पता चलेगा। तो इसके लिए संस्थान में कंटिन्यू टेस्ट होते हैं। मैं बता दूं आपको कम से कम 100 से ऊपर बच्चों के टेस्ट हुए होंगे 12 महीने के, मतलब एवरेज हर तीसरे दिन बच्चे का टेस्ट हुआ है। इतने टेस्ट लेने के बाद में कई बार बच्चों को ये लगता है पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, तो लगातार संस्थान में मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं जिनके वीडियोज भी मैं यूट्यूब पर डालता रहता हूँ। ये चार काम अप टू एग्जाम तक संस्थान कंटिन्यू करता है, इसलिए ICAR का बच्चा सपना देख के आता है और ICAR में ही जाता है। मैं सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि आप लोगों ने बच्चों को ये हौसला दिया कि यदि आप अच्छे से पढ़ते हो और तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आप देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। जिस दिन ICAR का रिजल्ट आएगा उस दिन मैं लेके आऊँगा उन बच्चों को और आपको मिलवाऊँगा कि इन गुरुजनों की मेहनत और बच्चों की लगन और पेरेंट्स का हमारे ऊपर विश्वास, इन तीनों का कॉम्बिनेशन की वजह से बच्चे कितने हैं जो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। एक बार पुनः सर आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।